आपका ज्यादा टाइम यहाँ पे जाया नहीं करेंगे, क्योंकि मकसद जुलूस निकालना है और आखिरी जो मिलाद का प्रोग्राम है उसमें आप उलमा की ज्यादा से ज्यादा तकरीरें सुनेंगे और नाते सुनेंगे, ताकि आप रास्ते में आपको थकावट न हो। इसलिए अब बिलात आखिर मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब हजरत अलामा मौलाना यूनुस रानी साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। تمام احباب محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک الصحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین و علی آلک و اصحابک یا شفیع المسلمین। معزز علماء کرام, शुरकाए जुलूस, मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुश आमदेद भी कहता हूँ और साथ साथ ये अर्ज़ करता चलूँ कि अभी हमारे तीन स्टेजेस बाकी हैं जिन पर तकारीर होंगी। एक ये है, एक अड्डे वाली मस्जिद के करीब, और तीसरा इमाम बारगाह के करीब। ये हमारे तीन स्टेजेस हैं जिन पर तीन मकामात पर यानी हमें तकरीरें करनी हैं। वक़्त की तंगी के पेश नज़र और मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र और इख्तितामी प्रोग्राम को सामने रखते हुए प्रोग्राम समेटा जाएगा और यहाँ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ अड्डे वाली मस्जिद के करीब। हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुर रऊफ सैदी साहब खिताब फरमाएंगे और इमाम बारगाह के करीब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नवीदुल हसन चिश्ती साहब खिताब फरमाएंगे। आप से इल्तिमास है कि गौर से सुनिएगा। आपके सामने कुरान करीम फुरकान हमीद की आयत मुकद्दस तिलावत की है, उसमें अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, वरफ़ाना लका ज़िक्र, हमने आपके ज़िक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया, हमने आपके ज़िक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। उसकी एक मिसाल आप सामने रखें, आज से 8-10 साल पहले जलूस निकाला जाता था, लेकिन कितना जुलूस होता था, जुलूस निकालने वाले भी कम होते थे, जुलूस में ज़िक्र भी कम होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आज अल्लाह ताला का करम है कि हर आए रोज़ हुजूर का ज़िक्र गली कूचों में भी बढ़ता चला जा रहा है और हर जगह पर हुजूर अलैहिस्सलाम का मीलाद पाक मनाया जा रहा है। अल्लाह करीम फरमाते हैं, महबूब मैंने तेरे ज़ात की खातर तेरा ज़िक्र बुलंद किया। इस आयत की तफसीर करते हुए, इस आयत की वजाहत करते हुए इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान बरेली रहमतुल्लाह ने उस मुजद्दद वक्त ने इस आयत का तर्जमा अशआर की सूरत में किया और कहा, वरफ़ाना लक ज़िक्रक कहसाया तुझ पर, वरफ़ाना लक ज़िक्रक कहसाया तुझ पर, ज़िक्र ऊँचा है तेरा, बोल है बाला तेरा, मिटते हैं मिट गए हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ब्रदरान इस्लाम, अल्लाह करीम ने फरमाया, महबूब ऐ जिब्रील जाओ मेरे महबूब को पैगाम सुनाओ कि मैंने तेरा जिक्र तेरी ज़ात की खातर बुलंद किया। जिब्रील अमीन आए, आकर आज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारा जिक्र तुम्हारी ज़ात की खातर बुलंद कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सवाल फरमाया, जिब्रील बता मेरे रब ने मेरा जिक्र कितना बुलंद किया, कितनी रिफत मेरे जिक्र को अता की। जिब्रील अर्ज करते हैं, ये खालिक जाने या मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हारे रब ने तुम्हारा जिक्र कितना ऊंचा किया। जिब्रील अर्ज करते हैं, हुजूर मैं रब की बारगाह में जाता हूँ, पूछूंगा या अल्लाह तेरा हबीब पूछ रहा है तूने मेरे जिक्र को कितना बुलंद किया।
तो रब बताएगा कि कितना बुलंद किया। हजरत जिब्रीली अमीन रब की बारगाह में गए, अर्ज की, या अल्लाह करीम तेरा महबूब पूछता है तूने मेरे जिक्र को कितना ऊंचा किया। अल्लाह करीम ने जवाब दिया और फरमाया जाकर मेरे महबूब को पैगाम सुना दे मेरे महबूब, जहां पर मैं खुदा का जिक्र किया जाएगा वहां पर है मोहम्मद मुस्तफा तेरा जिक्र किया जाएगा। जुकिर तो जुकिर तब आई ए महबूब, इतना ऊंचा कर दिया है, इतना ऊंचा कर दिया है, इतना ऊंचा कि जहां पर मैं खुदा का जिक्र होगा मोहम्मद मुस्तफा वहां तेरा जिक्र होगा। फिर उसकी सूरत हाल देख लें, हम अगर कलमा पढ़ते हैं पर कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह हो तो साथ पढ़ते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह में खुदा का जिक्र और मोहम्मद रसूलुल्लाह में रसूलुल्लाह का जिक्र। बल्कि किसी शायर ने कहा खुदा ने कलमे में ये इहतमाम रखा है, खुदा ने कलमे में ये इहतमाम रखा है कि अपने बाद मोहम्मद का नाम रखा है। इसी बात को आगे बढ़ाइए, यहाँ से ईमान की इब्तिदा हुई। फिर हम नमाज के लिए आज़ान देते हैं तो आज़ान में पढ़ा जाता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उसके बाद आता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ खुदा सबसे बड़ा है, मैं गवाही देता हूँ वो वहदहू ला शरीक है, और मुअज्जिन साथ कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जहाँ पर मैंने खुदा की गवाही दी है वहाँ पर मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत की गवाही। सुभान अल्लाह। आज़ान में भी हुजूर का जिक्र अपने जिक्र के साथ रखा। यहाँ तक हो सकता था कि तन्हा ऐलान किए जा रहे हैं, तन्हा कहा जा रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह साथ अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। नहीं मेरे भाई, थोड़ा आगे बढ़िए, आज़ान के बाद इकामत होती है, इकामत में भी यही, उसके बाद नमाज होती है। नमाज फकत खुदा वहदहू ला शरीक की इबादत है। किसकी इबादत है? खुदा वहदहू ला शरीक की इबादत है। लेकिन जब बंदा पढ़ रहा होता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का परवरदिगार है, मालिक यौमिद्दीन क़यामत के दिन का मालिक है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम उसी की इबादत करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। और आगे जाकर कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मौला मुझे सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। इसकी तफसीर करते हुए वजाहत करते हुए अल्लामा अय्याज मालिकी ने लिखा कि इसका मफहूम ये है, ऐ सिरात मुहम्मदिन, मौला मुझे उस सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता कर जो मोहम्मद मुस्तफा का रास्ता है, जो मोहम्मद मुस्तफा का रास्ता है। इससे भी आगे आइए, नमाज में बैठता है, नमाज फकत खुदा वहदहू ला शरीक की इबादत है। वो कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा की वहदानियत की गवाही, कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, रसूलुल्लाह का जिक्र, और आगे जाकर कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, मौला मेरी बंदगी तेरे लिए है और मेरा सलाम, मैं गुलाम का सलाम मोहम्मद मुस्तफा के लिए। सजदे तेरे लिए, मौला मेरा कलाम तेरे लिए, मौला मेरा रकू तेरे लिए, मौला मेरा तशहुद तेरे लिए, मगर मेरा सलाम आमना के लाल के लिए है, मेरा सलाम आमना के लाल के लिए है। और यहाँ पर आकर तफसीर रूहुल मानी वाले ने लिखा कि जब तुम नमाज पढ़ रहे हो वहदुर कलबकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस अंदाज में हुजूर पर सलाम पढ़ो कि गोया तेरे दिल में हुजूर मौजूद हैं और तू हुजूर पर सलाम पढ़ रहा है। यह
ہے وہ ذکر جس ذکر کو اللہ نے بلند کیا، زمین کی تہوں میں بھی رسول اللہ کا ذکر ہے، آسمان کی بلندیوں میں بھی رسول اللہ کا ذکر ہے، اس زمین کے اوپر بھی رسول اللہ کا ذکر جاری و ساری ہے۔ میرے بھائی، جب تک مسلمان باقی رہے گا وہ خدا کی وعدہ نیت کے ساتھ رسول اللہ کی رسالت کا اعلان کرتا رہے گا۔ میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں، اللہ نے اتنی رفعتیں عطا کر دی مگر اس کے باوجود عجیب قسم کے تصورات اور تخیلات پروان چڑھ رہے ہیں کہ حضور کا ذکر کر کے رب سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، رب سے نہیں بڑھایا جاتا، رب کی شانوں کی تو انتہا ہی کوئی نہیں۔ محمد مصطفیٰ وہ ہیں جن کو ساری شانیں خدا وحدہ لا شریک نے عطا کی۔ اگر کوئی عمارت دیکھ کر آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی قابل عجیب ہے، بڑی قابل دید ہے، تعمیرات کے اعتبار سے، فن کے اعتبار سے بہت اچھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ حقیقت میں آپ تعریف اس مستری کی کر رہے ہیں جس نے اس عمارت کو بنایا ہے۔ بے عینی ہی اسی طرح جب محمد مصطفیٰ کی تعریف کی جاتی ہے وہ براہ راست حضور کی تعریف ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ تعریف اس ذات خدا کی ہوتی ہے جو خدا اپنے محبوب کو اتنا بلند مقام عطا کرنے والا ہے۔ جس نے اپنے محبوب کو اتنی شانیں عطا کی، جس نے اپنے محبوب کو اتنے فضائل عطا کیے، جس نے اپنے محبوب کو اتنے مراتب عطا کیے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنی شانیں سارے انبیاء کو دی گئی، جتنے معجزات سارے انبیاء کو دیے گئے، جتنے کمالات سارے انبیاء اور رسول کو دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے معجزات حضور کی ذات میں اکٹھے کر دیے اور حضور کا نام احمد رکھا اور حضور کا نام محمد ہے۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی یہ ہے الذی یحمد حمدًا بعد حمد اللہ، کہ رب کی ذات کے بعد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جب یہ مقام تمہارے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے عطا کیا، جب خدا دینے والا مصطفیٰ لینے والا ہے، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ جب حضور کی شان آئے، حضور کی ذات کے بارے میں بات آئے، ہمارے سر جھک جائیں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ہمارے محبوب کو یہ مقام دیا ہے کہ کائنات میں اس سے بڑھ کر اور کوئی ذات موجود ہی نہیں۔ میں اتنا عرض کروں گا اور امام اہل سنت شاہ رضا خان بریلوی رحمہ کی حوالے سے عرض کروں گا، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یا رہے، ذکر روکے فضل کاٹے، فضل کاٹنا فضیلتوں کو کم کرے، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یا رہے، عیوب تلاش کرتا رہے اور پھر کہے مر تک ہوں امت رسول اللہ کی، پھر کس منہ سے کہے کہ میں رسول اللہ کی امت ہوں؟ بلکہ یہ امتی ہونے کا یہ تصور ہے کہ جب تمہارے سامنے تمہارے رسول کا نام آئے، تمہارے رسول کی شان آئے، تو تمہارا سر جھک جانا چاہیے اور رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ اتنی عظمتوں والا شان والا رسول تو نے ہمیں عطا کیا۔ برادران اسلام، اسی رسول اللہ کی ترانے پڑھنے کے لیے ہم گلی کوچوں میں نکلے ہیں، اسی رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اللہ کریم ہم گناہ گاروں کی بگڑی کرا دے۔ تو آخر میں میں اللہ اکبر نعرہ رسالت سیدی مرشدی یا نبی، آخر میں میں اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کروں گا۔ آپ میں سے کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، جس طرح آپ اپنے دنیاوی معاملات میں جو شجاعت کا اظہار کرتے ہیں اس سے پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ساتھ ہمیں جو شجاعت کا اظہار کرتے ہیں،
उससे पढ़ कर उन्हें आपके साथ मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। क्यों? अल्लाह उसका रसूल ऐसे है कि जिनकी रजा हमें कायनात की हर जात से ज्यादा अजीज है। नारे तकबीर। पीछे वाले आबाद भी जो अपने अपने मामलात और गपियों में मसरूफ हैं, उनसे भी गुजारिश है कि मेरे साथ नारे तकबीर और अल्लाह और उसके रसूल के नाम का जिक्र बुलंद करने में शामिल हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयदे मुर्शिदीन, या नबी, सैयदे मुर्शिदीन, या नबी, सैयदे मुर्शिदीन, या नबी, हम हस्मते रसूल के बुनियादों में सहाबाए कराम का खून शामिल है। इस नारे की बुनियादों में रसूलुल्लाह की आले बैत के लोगों का खून शामिल है, रसूलुल्लाह के गुलामों का खून शामिल है। इसलिए मोहब्बत के साथ इजहार कीजिए और हुजूर अलैहिस्सलाम के हवाले से औलिया इकराम उलमा ने नकल किया है, जो चाहता है ना कि मैं हुजूर की खिदमत करूँ, उसे चाहिए कि वो खत्मे नबुव्वत की खिदमत करे, खत्मे नबुव्वत का दिफा करे, वो समझ ले कि मैं रसूलुल्लाह का दिफा कर रहा हूँ। करूंगा कि जुलूस को आगे रवाना किया जाए ताकि हम आसानी से मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ सकें।